धनबाद में बाल सुधार गृह में बुधवार को जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने दबिश दिया, जिसमें एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद, एसपी मनोज स्वर्गीयर तथा सीओ प्रशांत लायक शामिल थे। बताया जाता है कि बाल सुधार गृह में कई प्रकार की अनियमितताओं तथा बंदियों के अनैतिक कार्य में लिप्त होने की सूचना जिला प्रशासन को मिल रही थी, जिसे लेकर उपायुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देश पर एक संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी की गई। धनसर थाना क्षेत्र के बरमसिया के भूदा स्थित बाल सुधार गृह छापेमारी के दौरान टीम के द्वारा गहन जांच पड़ताल किया गया और बाल बंदियों से कई जानकारियां ली गई। गौरतलब है कि पिछले दिनों बाल सुधार गृह में काफी उत्पात हुआ था, साथ ही बाल सुधार गृह के बाहर सड़क पर आने जाने वाले लोगों पर भी पत्थर भी फेंके जा रहे थे, जिसे लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। टीम के द्वारा जांच पड़ताल कर बाल सुधार गृह से बाहर आने के बाद धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाल सुधार गृह में किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामान नहीं मिली है। कहा कि पिछले दिनों हुई घटना को लेकर सुधार की जानकारी लेने और रूटीन जांच के तहत जांच पड़ताल की गई। कहा कि बच्चों से सारी व्यवस्था और खाने पीने की जानकारी भी ली गई, सारा कुछ संतोषजनक पाया गया है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। एक हम लोगों की ये रूटीन जांच थी अपना बाल सुधार गृह में। आप जान रहे होंगे कि पिछले दो चार महीने यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थाएँ रही थी लड़कों में, यहाँ के जो बच्चे लोग थे उसमें, तो हम लोग हमेशा उसके बाद से कितना सुधार हुआ वो देखने के लिए। तो आज जो हम लोगों ने देखा, यू आर सो प्लीज्ड कि लड़के लोग बहुत डिसिप्लिनड हैं, सारे लोग व्यवस्थित हैं, अपनी सारी चीज़ें जो यहाँ के लोगों के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है वो सारा फॉलो कर रहे हैं। हम लोग को जस्ट ये चीज़ देखना था कि उन लोग कितने अकाउंटेबल, अभी चीज़ों में उनमें सुधार हो रहा है। तो हम लोग देखने से लग रहा है कि दे आर डूइंग बेटर और इन लोग के खान पान में किसी तरह की कोई शिकायतें ना हो। तो सभी लोगों ने बताया कि सर हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो समय पे मिलता है, वैसी कोई दिक्कतें नहीं होती है। और ये बीच बीच में एक काउंसलिंग भी है लोगों के बीच में, लड़कों के साथ, कि हम लोग भी आ रहे हैं तो उन लोग की काउंसलिंग हो जा रही है कि आपको बेहतर कैसे करके रहना है। तो यही एक रूटीन चेकअप था इन लोगों के बीच का। Thank you, sir. Thank you.